नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में गांजे की तस्करी के साथ साथ अब गांजे की खेती का भी मामला प्रकाश में आया है। रीवा की सिमरिया थाना पुलिस ने न सिर्फ गांजे के खेत को पकड़ा है बल्कि खेती करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खेत में लगे गांजे के 355 छोटे बड़े पौधे बरामद किए हैं जिनकी कीमत 1,97,000 रुपए आंकी गई है। मामले में फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है। दरअसल यह कार्रवाई जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बखमरा गांव में की गई है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर मौके से गांजे के छोटे बड़े 355 पौधे बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बखमरा गांव निवासी पुष्पेंद्र सिंह बघेल द्वारा अपने मकान के पीछे गांजे की खेती चोरी छुपे की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही यहां छापेमार कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा मौके से जब्त किए गए गांजे के पौधों की कीमत तकरीबन 1,97,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इसके पहले भी सिमरिया क्षेत्र में कई बार गांजे की खेती का मामला सामने आ चुका है और पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई, बावजूद इसके यहां चोरी छिपे गांजे की खेती की जा रही थी।